हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। हमने स्टडी किया था प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में और साथ ही साथ मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। आज की इस वीडियो में भी हम फ्रैक्शंस के टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आज का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए बहुत यूजफुल है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत ध्यान से आज की वीडियो को देखिएगा और टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है आप सभी को पता होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं इसके, जैसे 7 1/2, 13 7/8। ये आपके होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ये भी आपको पता होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जरा बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, सोचिए जरा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो आपका न्यूमरेटर होता है यानी जो आपका अपर पार्ट होता है फ्रैक्शन का, वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। यानी जो आपका अपर पार्ट होता है वो आपके लोअर पार्ट से हमेशा ग्रेटर होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 11/7, 15/3, 19/6। आपका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होता है। तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें। तो एग्जाम्पल्स पर चलने से पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं जो हमको हेल्प करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में। चलिए चलते हैं रूल्स पर। तो ये है हमारे स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, यानी कि आपको अपर पार्ट को लोअर पार्ट से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ जो होल पार्ट होगा वहां आपका आएगा कोशेंट, जो लोअर पार्ट होगा उसमें आपका हमेशा डिनोमिनेटर आएगा। जो भी आपका पहले डिनोमिनेटर था फ्रैक्शन में वो डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहेगा। और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका न्यूमरेटर के अंदर। यानी कि अगर हम डिफाइन करें इसको, ये आपका क्या हो जाएगा न्यूमरेटर। आप न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर से। जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा कोशेंट और नीचे बचेगा आपके पास रिमाइंडर, नीचे आपके पास बचेगा रिमाइंडर। तो डिनोमिनेटर तो हमेशा डिनोमिनेटर की जगह रहेगा, जो ये आपको ऊपर क्वेश्चन आया है ये आपका होल पार्ट की जगह आ जाएगा, और जो नीचे आपका रिमाइंडर आया है ये आपका न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा। और ये क्या बन गया, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बन गया होल और ये बन गया आपका फ्रैक्शन। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बन गया जो कि हमारा आंसर होता है। इन रूल्स को हम अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। आपको बस एक बात याद रखनी है, आपको न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, और जो भी आपको फाइनल आंसर आता है उसको आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। क्वेश्चन होल नंबर की जगह आएगा, रिमाइंडर न्यूमिनेटर में आएगा, और जो आपका डिनोमिनेटर था वो हमेशा डिनोमिनेटर की जगह ही आएगा।
तो चलिए शुरू करते हैं इन रूल्स को समझना एग्जांपल की हेल्प से। तो सबसे पहले हम कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम ले लेते हैं 19/7। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। फर्स्ट स्टेप यही कहता है ना कि हमें डिवाइड करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिवाइड किया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14। तो हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, 5। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है हमें, सेकंड स्टेप कहता है कि हमें इस फॉर्मेट के अंदर अपना आंसर लिखना है। होल नंबर की जगह क्वेश्चेंट आ जाएगा, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसमें ऊपर रिमाइंडर आएगा और नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे होल पार्ट। होल पार्ट क्या है हमारा, होल पार्ट है हमारा क्वेश्चेंट। ये आपका क्वेश्चेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, जो होल पार्ट आएगा वो आ जाएगा क्वेश्चन, जो आ जाएगा वो होल पार्ट की जगह आ जाएगा और फ्रैक्शन की जगह क्या आ जाएगा आपका, न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम रहेगा। तो ये आपका क्या बन गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा आएगा होल पार्ट में, जो क्वेश्चन आपका होगा वो हमेशा आएगा होल पार्ट के अंदर, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर की जगह रहेगा। यहाँ डिनोमिनेटर 7 था, तो जो आपका फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसमें डिनोमिनेटर हमेशा 7 रहेगा। बस जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो कहाँ आ जाएगा, न्यूमिनेटर में। तो चलिए एग्जांपल हम और लेते हैं, कोई भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 99/17। ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, तो स्टेप वन क्या कहता है, स्टेप वन कहता है कि हमें न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड शुरू करते हैं। 17 को 99 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 × 5 = 85। शायद यही होता है, हाँ यही होता है। 9 में से 5 गया बचा 4 और 9 में से 8 गया बचा 1। अब रिमाइंडर 17 से छोटा है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, जो क्वेश्चेंट होगा, जो आपको क्वेश्चेंट होगा वो कहाँ आएगा, क्वेश्चेंट जो होगा आपको कहाँ आएगा, वो आएगा होल पार्ट की जगह। क्लियर है, होल पार्ट हमारा आ गया, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन का एक पार्ट हमें मिल गया। सॉरी यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 आएगा, मिक्स फ्रैक्शन का एक पार्ट हमें मिल गया होल। अब हमें फ्रैक्शन लिखना है, फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, यहाँ डिनोमिनेटर 17 था तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 17 आएगा। और क्या कहते हैं, रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये आपका आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप इसको डिनोमिनेटर ना कह के डिवाइजर भी कह सकते हैं, डिवाइजर सेम है बात। आपको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, और सेकंड स्टेप में आपको जो भी आपका आंसर आएगा उसको इस फॉर्मेट में लिख देना है। किस फॉर्मेट में, क्वेश्चेंट आपका आ जाएगा होल पार्ट की जगह, क्वेश्चेंट आपका आ जाएगा होल पार्ट की जगह, और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की जगह। जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आएगा न्यूमरेटर की जगह फ्रैक्शन के अंदर, और जो आपका डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह ही आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, एक बार हम रूल्स को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। हम फर्स्ट पार्ट में हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, फर्स्ट पार्ट में हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हमारा जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा वो उसको हम लिख देंगे होल पार्ट की जगह, और जो भी आपका फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके रिमाइंडर के इक्वल होगा, और जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो आपका डिनोमिनेटर ही रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। जो आपका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था स्टार्टिंग का
वो डिनोमिनेटर आपके फ्रैक्शन लास्ट के जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें भी रहेगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं एक अच्छे से नंबर का, 232 डिवाइडेड बाई 7। अब फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। तो चलिए डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर कितना है 232, इसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 7 से। तो हम करेंगे डिवाइड, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 7 2 14, 7 3 21, 7 3 21। इसको माइनस किया तो यहाँ से क्या बचा, 2 बचा, 2 बस नीचे आ गया, 7 3 21, तो क्या बचा, रिमाइंडर में बचा 1। ये हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड स्टेप था हमारा जो भी आंसर है इस फॉर्म में लिखने, क्वेश्चन किसकी जगह आएगा, क्वेश्चन यहाँ कहता है 33, ये हमारा होल नंबर की जगह आ जाएगा। और फ्रैक्शन में हमारा क्या आएगा, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, यहाँ डिनोमिनेटर कितना था 7, तो यहाँ डिनोमिनेटर 7 रहेगा, जबकि रिमाइंडर में हमारे कुछ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर 1 था, ये आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये आपका हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मिक्स फ्रैक्शन 33, जहाँ होल है और 1/7 हमारा क्या है, ये फ्रैक्शन है 33, 1/7, 33 हमारा होल नंबर है और 1/7 हमारा फ्रैक्शन है। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेते हैं, चलो कौन सा लें, 7 38/9, ये एग्जांपल ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम करेंगे न्यूमरेटर जो कि हमारा कितना है 7 38, इसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से जो कि हमारा क्या है 9 है। तो चलिए शुरू करते हैं डिवाइड को, 9 9 81 और 9 8 72, तो माइनस अच्छा 1, ऊपर से 1 आ गया, 9 2 18, ये डिवाइड कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सोचिए जरा, सेकंड स्टेप में हमें करना है जो भी आंसर आया है उसको फॉर्मेट में लिखना है। क्वेश्चन आपका कहाँ आ जाएगा, होल नंबर की जगह आ जाएगा और आपका न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर क्या था आपका, देखिए जरा रिमाइंडर क्या था आपका, रिमाइंडर क्या था आपका 0 और डिनोमिनेटर की जगह क्या था, डिनोमिनेटर 9 था, तो यहाँ भी 9 आ जाएगा। अब 0/9 0 होता है, तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, ये कोई फ्रैक्शन नहीं होता तो हमारा आंसर सिर्फ होल नंबर आ जाएगा 82। तो ऐसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको सिंपल प्रोसेस याद रखना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको करना है डिवाइड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और सेकंड स्टेप में वो क्या करें, जो भी आपका आंसर आया है क्वेश्चन आपका आ जाएगा होल नंबर की जगह, रिमाइंडर आपका आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह और डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, जो क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर था वही आपका मिक्स फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर आएगा। तो चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, लेते हैं 1 8 6 3 5 5। फर्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, 1 8 6 3 को हमने डिवाइड किया 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं डिवाइड इसका, तो क्या आएगा डिवाइड, 5 3 15, 36, यहाँ से 3 माइनस करके बचे 6 होता है, 5 7 35, माइनस किया 6 5 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5 2 10, माइनस किया तो क्या बचा रिमाइंडर में 3, 3 5 से छोटा है तो डिवीजन हमारा यहीं खत्म हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आया है उसको हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा होल नंबर की जगह, रिमाइंडर आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह, डिनोमिनेटर सेम रहेगा।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन कितना आया था 372, रिमाइंडर कितना आया था 3, और हमारा डिनोमिनेटर कितना था 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि हमारा आंसर है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि कैसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जो रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है आपको उसको इस फॉर्मेट के अंदर लिख देना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।